नमस्कार। आई नो आप लोग थोड़ा सा मुझसे नाराज होंगे, आप लोगों को थोड़ी सी मुझसे शिकायत होगी कि अरे राहुल बोस तो अब आ गया, जब हमें इसकी रिव्यू की जरूरत थी या जब हम इसका रिव्यू सुनना चाहते थे दो एपिसोड्स का, तब कहाँ था राहुल बोस। सबसे पहले आप सभी दर्शकों से माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी भी आपको मेरी शायद बातचीत में लग ही गया होगा। ज्वर है, वायरल हो रखा है, बट फिर भी अभी हिम्मत हो रही है कि हाँ मैं ये जो महासंग्राम हुआ है नागिन और बेकाबू का, इसके बारे में बातचीत करूं, पूरा रिव्यू बताऊं, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं। रिव्यू बताऊंगा, बातचीत करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को एक गुड न्यूज भी दूंगा। गुड न्यूज क्या है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में ही अचानक से वो बात आ जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगेन माफी चाहूंगा, स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया था, इस वजह से ढंग से वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार इस महासंग्राम में हमें क्या क्या नई चीजें समझ में आई हैं। दोस्तों सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तो ये है कि अश्वथ की मृत्यु एक महिला के हाथों हुई है, जो कि बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहा है कि सुधा चंद्रन मैम का किरदार जो है वो होगा इसका सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन एक ईस्टर एग जो कि सामने आएगा, क्योंकि वो एक महिला है, राइट। प्लस इन लोगों ने जो कोशिश करी है नागिन और राक्षस लोग को एक साथ करने की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट इस इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे ना दोस्तों, तो कंफ्यूजन इस बात का है कि ये जो हमारी राक्षस, अगर आपने नागिन को एक साल से फॉलो किया है तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है सुधा चंद्रन मैम का किरदार जो है वो राक्षसनी फिर से वापस आई है, मर गई थी लेकिन स्टिल वापस आई है, जिंदा हुई है। ये सारी चीजें बता दूं आपको, तो नागिन 6 की मेन विलन जो है, हालांकि ये थी महक चहल थी, लेकिन जो प्रथा की सास बनी थी वो राक्षसनी कुल से, वो एक बुक मिली थी उनको, उस बुक में दिखा था कि वो राक्षसनी कुल से बिलोंग करती है और वो एक राक्षसी है, और इसी वजह से वो प्रथा को बार 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 चुनौतियां दे रही थी, अगर आपको याद होगा तो। इसीलिए वो देश के दुश्मन जो है, अगर आपने देखा होगा तो देश के दुश्मन तो वही था जो हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान को खत्म करने वाले थे। खैर यहां पर तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन अब यहां पर सुधा मैम का किरदार फिर से आया है। एकता कपूर जी का सीरियल और वहां पर सुधा चंद्रन जी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राक्षसनी फिर से वापस आई है, इस बार एक नए स्वैग के साथ, नए नाम के साथ, और इस बार एक अलग ही तरीके के पागलपन के साथ, क्योंकि जिस तरीके से वो भस्म को उठा के डांस कर रही है, बाप रे बाप, दैट वाज सो इंटेंस सीन। मैंने सोचा तक नहीं था, वो बहुत ज्यादा इंटेंस लग रहा था। सुधा चंद्रन जी का किरदार, वो बहुत अच्छी और मची हुई कलाकार है, और उनसे ये अगर इस तरीके की हरकत करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस लगती है। मतलब आई गॉट गूज़बम्स व्हेन आई सॉ हर लाइक दैट, जिस तरीके से वो डांस कर रही है, जिस तरीके से वो एंगल काटे, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक। वहीं अगला भी महा एपिसोड होने वाला है, तो यहां पर परियां मदद करने आएगी कि नागलोक पर राक्षसी शक्ति जो है वो हावी ना हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब यहां पर बाहर के एरिया में, जंगल में, जब रानव और रानव की बुआ आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या वहां पे सुधा चंद्रन मैम आएंगी ये बोलने के लिए कि राक्षस आपस में नहीं लड़ते। टेक्निकली देखा जाए तो सुधा चंद्रन मैम का ही बेटा है, प्रथम उनका बेटा था, तो टेक्निकली देखा जाए तो दादी हुई, रानव की दादी हुई, लेकिन ऑफकोर्स प्रथम की आत्मा उसके अंदर है तो वो तो मामा बोल सकता है शायद, राइट। अब दोस्तों यहां पर एक और चीज आती है और वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि मैंने नागिन को फॉलो कर रहा था बट बाद में ना फिर अचानक से फॉलो करना बंद कर दिया था, जस्ट बिकॉज वो स्टोरी बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रही थी। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि वो कनेक्शन क्या था, बट कुछ लोगों ने मुझे एक बात बोली थी कि राहुल भाई अगर आपको याद होगा तो सुधा मैम का ही राक्षसनी बनकर आना तय है, क्योंकि नागिन में ऑलरेडी वो बुक में पाया गया था, जो एक बुक थी, नागलोक की बुक थी या किसी को एक बुक थी, उसमें पहले पाया गया था कि राक्षसनी जो है वो बनकर आएगी ही आएगी। तो ये तो यहां पे ये रहा। प्लस आज रानव मृत्यु पाश में जिस तरीके से बंधा, वो बहुत ज्यादा इंटेंस सीन था यार दोस्तों। मैं सच बताऊं तो ज्यादा फोकस जो है ना तेजस्वी और उनकी स्टोरी पर ही था, राक्षसों की स्टोरी पर बहुत कम फोकस किया गया था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं शो के प्रोड्यूसर से, शो के डायरेक्टर से, कि आने वाले जो दो एपिसोड्स हैं उनमें प्लीज प्लीज कृपया करके बेकाबू को भी ज्यादा दिखाओ, राइट। अगर आप तेजस्वी और उनके शो की
काफी सारी चीजें दिखा रहे हो उनको, दिखा रहे हो कि हाँ भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, शादी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो प्लीज ये भी दिखाओ कि हाँ यहाँ पे राक्षस मतलब कि इनकी स्टोरी के बीच में भी कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बेला का हृदय परिवर्तन होता है और बेला कहती है कि मैं राक्षस को क्यों बचा रही हूँ। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, बेला जिस तरीके से रानव की मदद करती है, बेला जिस तरीके से जमीन में हाथ डाल के उसको वापस लेकर आती है, दैट वॉज सो एडोरेबल सीन। प्लस यहां पर ईशा ने उसे बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया, जिस तरीके से डांस किया उन्होंने, मुझे लगा था शायद ये तांडव हो सकता है लेकिन ये देवी को प्रसन्न करने वाला था, समझ रहे हैं आप। तो बट देखो क्या होता है ना, देखो मैं बहुत कंफ्यूज इसलिए हुआ ना क्योंकि मैं ना रानव और इन लोगों से ना कनेक्ट हो चुका हूँ, इनकी स्टोरी अपने आप दिमाग में आती है, लेकिन वो बार बार नागिन का एंगल, वो बार बार शेष नागिन, नागिनों की नागिन, शिव वरदानी, ये वो ऐसा वैसा, तो वो हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, समझ रहे हैं आप। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो महा एपिसोड, चाहे वो कल का महासंग्राम था या फिर आज का महासंग्राम था, ये दोनों ही एपिसोड कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजिंग थे। और इसमें ना बेला और रानव को स्टोरी लाइन को दिखाना चाहिए, डालना चाहिए था, बट इन लोगों ने नहीं डाला। प्लस अब ये लोग है ना एक भसड़ बना रहे हैं जो मैं इसके बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल वो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे दिमाग में रानव और बेला की एक अलग स्टोरी चल रही थी। अब वो राक्षस जो मरा था, जिसको मारा रानव ने राइट, जो तहखाने में जिसने बंद कर दिया था, उसको किसने भेजा, प्लस ये क्या यही राक्षस नहीं है मेन, प्लस बहुत सारे, वो दरवाजा जो बंद किया था, जो रानव रानव का दरवाजा जो बंद किया आज उसकी माँ ने जो दिखाया हमको, तो मुझको बता दो कि वहां पर वो दरवाजा कब खुलेगा, सबसे बड़ा यही है। और प्लस रानव उससे कैसे बाहर आया, ये एक्साइटिंग चीजें हैं जो हमको इन लोगों को दिखानी चाहिए, बट लेकिन ये हमको ज्यादा नागिन 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 दिखा रहे हैं। मुझे लगता है नागिन की टीआरपी वैसे हाई आई है, बेकाबू से तो हाई आई थी, तो कहीं ये इसीलिए तो नहीं कि नागिन की और टीआरपी हाई हो जाए क्योंकि बेकाबू साथ चल रहा है, स्ट्रैटेजी हो सकती है नो डाउट, बट मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बेकाबू की स्टोरी ज्यादा रिफ्रेशिंग थी, ज्यादा फ्रेश थी, तो उसको देखना चाहता हूं। नागिन का ये जो इन्वॉल्व करके, क्योंकि नागिन से कनेक्शन अब नहीं रहा है तो वो उतना दिमाग में नहीं आता है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू। इसके साथ साथ शालीन की एक्टिंग देखो यार, आज तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि आज तो वो मोहपाश, वो मृत्युपाश में ही बंदा था, उसके बाद जमीन के अंदर सो रहा था। बेला थोड़ा चमक कर आई है, तेजस्वी तो गुड एक्ट्रेस है, वो तो अपने शो में आगे बढ़ी रही है। हाँ सुधा मैम के अंदर आने से तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट अगला हफ्ता अच्छा हो सकता है क्योंकि परियों की लड़ाई होने वाली है, परियों की और राक्षसों की। गुड न्यूज भी बता देता हूँ आपको मैं लगे हाथों, अगर आप लोग YouTube यूज करते हैं, ऑफकोर्स करते होंगे, एक चैनल है राहुल भोज कॉमेडी, जाइए वहां पर, ढेर सारी फनी वीडियोस हैं, नया चैनल है मेरा, जितना प्यार आपने सपोर्ट इस चैनल को दिया है, टेली खजाना को, उतना ही यहाँ पर भी दीजिए प्यार, ढेर सारा प्यार दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रहा हूँ, सो जस्ट गो आउट देयर एंड चेक इट आउट, कमेंट करो, शेयर करो मैक्सिमम अगर चाहो, क्योंकि अच्छा कॉन्टेंट है, क्लीन कॉन्टेंट है, फ्रेश कॉन्टेंट है, तो आपको अच्छा लगेगा। चलता हूँ, लेट्स सी अगला हफ्ता क्या करते हैं ये लोग, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, चलता हूँ।